हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक कहानी जिसका नाम है सोने के कंगन वाला बाघ। एक समय की बात है, एक बूढ़ा बाघ नदी के किनारे घूमता रहता था। वह काफी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वह शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन जब वह सरोवर के किनारे बैठा था तो उसे जमीन पर एक सोने का कंगन पड़ा हुआ मिला। उसने उस सोने के कंगन को ध्यान से देखा और उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। अब वह सरोवर के किनारे खड़ा होकर हर दिन चिल्लाता रहता कि मुसाफिरों, यह सोने का कंगन दान में लेते जाओ। यह सुनकर वहां से गुजरते लोग मुसाफिरी लालच में आ जाते, पर उसे सोने के कंगन को लेकर बात पर विश्वास नहीं होता था। और उसने पूछा, तुम्हारे पास सोने का कंगन ही है ना? बाघ ने पंजा बढ़ाकर दिखाता था। हाँ, पर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाता था, क्योंकि सबको पता था कि सोने का कंगन अगर वो दे देगा तो ये भी तो हो सकता है कि वो बाघ सबको मार दे। इसलिए कोई भी उसकी बातों पर जल्दी विश्वास नहीं करता था। सभी को ये लगता था कि ये हमें जरूर कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएगा। तभी एक लड़का वहां से गुजरा। उसने उस बाघ की आवाज सुनी और वो उस बाघ की बातों में आ गया। उसने कहा, ठीक है, ये कंगन तुम मुझे दे सकते हो? बाघ ने कहा, हाँ ठीक है, ये कंगन तुम ले जाओ। और जैसे ही वो उसके पास गया, बाघ ने उस पे पंजा मारा और उसे खाने की कोशिश की। देखा दोस्तों, उस आदमी को तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस कहानी का शीर्षक ये है कि उस इंसान में होते हुए भी उसने अपना दिमाग नहीं लगाया कि मुझे क्या करना चाहिए, और उस शेर ने जानवर होने के बावजूद भी अपना दिमाग लगाया। तो हमेशा चतुराई से रहना चाहिए। बाय बाय दोस्तों।